रेसलर के जीत का ताज बनी साइकिल, मजदूर की जिंदगी में चलने का अंदाज बनी साइकिल, अमीरों की सेहत का राज बनी साइकिल, और कोरोना काल में मजदूरों को घर पहुंचाने का जहाज बनी साइकिल। समय कैसा भी हो, किसी भी वस्तु की महत्वता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में सभी संसाधन ने मनुष्य का साथ छोड़ा था, लेकिन एक साइकिल ही ऐसी संसाधन थी जिससे मनुष्य अपने घर को, अपने परिवार को पहुंच पाया था। तो आज के डे इवेंट स्पेशल में जानते हैं साइकिल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कैसे किसी के मन में आया था साइकिल बनाने का विचार, कब और कहां निर्माण हुआ था दुनिया की पहली साइकिल का, और जब निर्माण हुआ था तो क्या वो सफलतापूर्वक पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लोगों के काम आई थी, उन महान शख्सियत का नाम क्या था जिन्होंने साइकिल के निर्माण के बारे में विचार किया था, और किस देश में वो रहते थे। साइकिल के आविष्कार के समय साइकिल का नाम कुछ और था या फिर साइकिल ही, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आपके अंदर भी इतने सारे सवालों के जवाब पाने की क्यूरियोसिटी जग रही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंतर्गत वो सारी रोचक जानकारी दी जाएंगी जो साइकिल दिवस से जुड़ी हुई है। तो हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आपको JDF लाइव यूट्यूब चैनल पर रोजाना मिलती रहेंगी, लेकिन जरूरी है कि आप JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। दरअसल साइकिल को व्यक्ति ने, या यूं कह सकते हैं समाज में आजकल हर व्यक्ति ने सिर्फ एक्सरसाइज का साधन माना है, जबकि साइकिलिंग हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एक वो दौर था 1955 से 1990 तक कि साइकिल हर व्यक्ति के घर का एक सदस्य हुआ करती थी। हर व्यक्ति साइकिल से चलना अपनी शान समझता था, या यूं कहें 1960 के दौर में साइकिल होना बड़े गर्व की बात, बहुत ही लग्जरी की बात मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास के पथ पर हम आगे बढ़े, साइकिल और साइकिलिंग कहीं गायब सी हो गई, और साथ ही गायब सा हो गया हमारा स्वास्थ्य और सेहत, क्योंकि साइकिलिंग हमारे जीवन को फिट और फाइन बना के रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिखावे की भागदौड़ में हमने अपने स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज करना सीख लिया है। और आज के दिन ये दिवस, यानी कि 3 जून को ये दिवस साइकिलिंग की जीवन में महत्वता को समझाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं साइकिलिंग का रोचक इतिहास JDF लाइव के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट की विशेष सीरीज रोजाना मिलती रहे। आजकल मनुष्य को जितने संसाधनों से आराम, उतना ही उनके जीवन में बीमारियों का भरमार है। शायद ये कारण है कि हम फिजिकल मेहनत करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। साइकिलिंग हमारे जीवन का वो हिस्सा हुआ करती थी कि आपने देखा होगा कि आपके दादा बाबा बहुत मोटे नहीं होते थे, वो बहुत दुबले पत्ते होते, क्योंकि उस समय संसाधन इतने ज़्यादा नहीं थे और साइकिलिंग करना उनकी मजबूरी भी थी, और साइकिलिंग करने की वजह से वो स्वस्थ रहते थे, फिट और फाइन रहते थे। लेकिन आजकल हम लोग एक दूसरे को देख देख कर, या यूँ समझ लीजिए शर्मिंदगी के कारण सोचते हैं कि हम साइकिल से जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हम अपनी सेहत के बारे में सोचना नहीं पसंद करते। शायद यही कारण है कि बहुत कम उम्र में लोग डायबिटिक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि लास्ट टाइम आपने साइकिलिंग कब की थी। मैंने अभी 4 साल पहले साइकिलिंग की थी, और साइकिलिंग हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कितने फ़ायदे होते हैं साइकिलिंग के, मैं आपको वीडियो में सबसे लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी साइकिल दिवस से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। साइकिल का आविष्कार कब और किसने किया था, कैसे साइकिल हमारे समाज का हिस्सा बन गई थी। वैसे तो अब साइकिल की वो घंटी की आवाज़ बहुत कम सुनाई पड़ती है, लेकिन मैं सुनती हूँ रोज़ न्यूज़पेपर वाले भैया से, क्योंकि वो जब घर आते हैं तो अपनी साइकिल की घंटी बजाते हैं और हमें पता चल जाता है कि न्यूज़पेपर हमारे घर आ गया। लेकिन आप भी बताइएगा कि आप लास्ट टाइम साइकिल की घंटी कब सुने थे, और आप कहाँ मिस करते हैं उसे। बचपन में तो हम लोग स्कूल जाते थे तब साइकिलिंग करते ही थे, लेकिन वो बचपन की बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में साइकिल दिवस के रोचक सफ़र में।
कि साइकिल दिवस कब मनाया गया और साइकिल का निर्माण किस तरह से हुआ था। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी रोचक जानकारी होंगी। और JDM लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको हर इवेंट की विशेष वीडियोस रोजाना मिलती रहें। साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी सन 2018 में, यानी कि कुछ ही साल पहले की बात है कि 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व साइकिल दिवस मनाने का फैसला किया था। इसके लिए 3 जून का दिन तय किया गया था, यानी कि आज के दिन 3 जून है, आज का दिवस तय किया गया था। और पूरे विश्व भर में हर देश अपने अपने तरीके से ये दिवस मनाता है ताकि लोग साइकिलिंग की तरफ प्रोत्साहित हो सकें। वैसे तो हर व्यक्ति अब मोटरसाइकिल से चलता रहता है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलता है, लेकिन साइकिल हमारे समाज से लगभग गायब सी हो गई है। अगर कुछ स्कूल के बच्चों को छोड़ दे तो साइकिल अब यदा कदा ही कोई व्यक्ति अपने निजी काम के लिए चलाता है। साइकिलिंग से हमारे सेहत को कितना फायदा होता है, इसी बात को समझाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी लेस्जिक सिबिल्स्की नामक व्यक्ति ने एक कैंपेन चलाया था जिसका समर्थन तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों ने किया था। तब से हर साल साइकिल दिवस की थीम निर्धारित की जाती है और दुनिया के तमाम देश इस दिवस को साइकिल की महत्वता को जताने के लिए, साइकिल की महत्वता को बढ़ाने के लिए मनाते आ रहे हैं। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो सबसे पहले हमारे अंदर चाहत होती है कि हम बहुत जल्दी से साइकिल चलाना सीख लें। और फिर क्या, हम लोग चोरी छुपे अपने घर वालों से, अपने भाई माता पिता से छुप छुप के साइकिल सीखा करते थे। और धीरे धीरे फिर कभी एक मौका आता था जब हम लोग अपने परिवार जिनसे साइकिल खरीदने की इच्छा रखते थे। कभी कभी तो हम लोग पॉकेट मनी इकट्ठा करके भी साइकिल खरीदते थे क्योंकि साइकिल हमारी जिंदगी की पहली चाहत होती थी। स्कूली दौर में इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर साइकिल खरीदने की बहुत इच्छा रहती होगी और लगता होगा कि बस साइकिल हमारे हाथ में आ गई तो हमारी सबसे बड़ी विश पूरी हो गई। लेकिन ये साइकिल कैसे बनी, इसका इजाद कैसे हुआ और क्या ये इतनी आसान थी चलाने में, तो जानते हैं इस सफर में कि ये साइकिल कैसे बनी और कैसे इसको चलाना आसान हुआ। गिरते पड़ते हम लोगों ने तो साइकिल सीख ही ली थी, लेकिन दरअसल साइकिल के कई और नाम थे जिनको सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि क्या वास्तव में ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी यूरोपीय देशों में साइकिल के इस्तेमाल का विचार 18वीं शताब्दी के दौरान लोगों को आया था। लेकिन 1816 में पेरिस में पहली बार एक कारीगर ने साइकिल का आविष्कार किया, यानी कि विचार आया था यूरोप के दिमाग में और उसका इजाद हो गया पेरिस में। उस समय इसका नाम हॉबी हॉर्स यानी काठ का घोड़ा रखा गया था। बाद में 1865 में पैर से पैडल घुमाने वाले पहिए का आविष्कार किया गया, इसे वेलासिपीड कहा जाता था। इसे चलाने में बहुत थकावट होने के कारण इसे हाड़ तोड़ भी कहा जाने लगा, यानी कि हाथ पैर टूट जाते थे, इतना मेहनत पड़ती थी साइकिल को चलाने में। लेकिन साल 1872 में इसे सुंदर सा रूप दिया गया, लोहे की पतली पट्टी के पहिए लगाए गए और आधुनिक साइकिल का रूप दे दिया गया। आजकल साइकिल का यही रूप हमारे समाज में उपलब्ध है। हाँ, वो एक अलग बात है कि साइकिल को बहुत डिजाइनर स्टाइलिश बना दिया गया जो बच्चों के लिए आकर्षक हो जाती है। यानी कि सही तरीके से साइकिल को हमारे बीच में आने में 1816 से लेकर 1872 तक का सफर लगा। बहुत लंबे समय के बाद ये साइकिल हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। और फिर क्या, 1955 के बाद से 1990 तक लगभग हर व्यक्ति ने साइकिल की सवारी की है, या यूं कहें कि लगभग हर व्यक्ति साइकिल को अपनी शान समझता था। हाँ, वो आजकल की बात दूसरी हो गई है कि लोग अब साइकिल को शान नहीं सिर्फ स्वास्थ्य का साधन समझते हैं। लेकिन सही मायने में साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा चलाने में स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप रोज़ लगभग 15 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं तो आपको कभी भी फैट नहीं हो सकते, यानी आप मोटे नहीं हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, साथ ही इम्यून सेल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, इससे बीमार होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकली भी एक्टिव होता है और उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। साइकिल ना चलाने वाले लोगों से 15 से 20% अधिक दिमाग साइकिल चलाने वाले लोगों का सक्रिय होता है।
बचत की नज़र से देखें तो ये काफ़ी अच्छा और सस्ता साधन है। देखा जाए तो आज के वक्त में यूथ बहुत ज़्यादा फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, अगर वो साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत सारा धन भी बचा सकते हैं, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वो प्राकृतिक ईंधन से ही चल सकते हैं और अत्यधिक प्राकृतिक ईंधन का दोहन करने से हमारी प्रकृति को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाएं, अपने स्वास्थ्य को सही रखें और इस वीडियो को दोस्तों में साझा करें, अपने बचपन की यादें ताज़ा करें। आप सभी को साइकिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।